सारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह जेड़ा हुक्म है हुक्म दी तहमील करेंगे। खुश होके बैठने ये महफिल इस वाले सवाब दी। जेड़े लफज असीं बोलांगे उनका सवाब दोवां माइयां दे रूह नूं साहब पहुंचेगा। जिन्हों सुभान अल्लाह आंदी है सुभान अल्लाह की रखे, जिन्हों आमीन आंदी है आमीन की रखे। अल्लाह पाक हर लफ्ज़ ते सवाब अता फरमाएगा। तकरीबन 10:30 बजे का हुक्म होया, 10:10 हो गए तो मुर्शिद ने दस्या नहीं कि पींग नहीं पीनी, बस वौक नाल बैठना। इंशाल्लाह जिहड़ा वक्त मिले वक्त के अंदर इंशाल्लाह इन्हों मौजू नूं इकट्ठा करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत सदकल्लाहु व मौलाना लाज़ीम صدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما कोई जबान खामोश न रहे पढ़िए सलातो। मैं हूं भी शुगर चेक करवा के आया भाई रमजान, 400 तो मेरी शुगर आई, 400 तो शुगर मेरी, तो मैं बैठा थोड़े सामने, तुसी यार ढिले पे खड़े हो, उच्चा पढ़ो दरूद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल हम्द अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम जतार नवाला
ते किस मैदान ते किस मैदान अज वीर वीरां नूं कतल कर रहे वीर वीरां नूं मार रहे ने कादी खातर एक चंद पैसों की खातर उन्हें आख्या वीर वीरां दे ओ वीर वीरां दे ओ वेरी हांदे ते बाप सिरादे ताज मुहम्मद ते मावा जिन्हिया ठंडिया छावा ने ओई बोले मावा लोका मेनो ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਆਨੇ ਡਰਾਇਆ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਈਏ ਆਇਤੇ ਕਰੀਮਾ ਪੜੀ ਕੁੱਲ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਆਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ہر ایک زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا جڑے اس دنیا تے آیا انہیں اس دنیا تو واپسی بھی جانا ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر کم و پیش آئے وہ بھی اس دنیا تو گئے موت دا ذائقہ چکھیا تیرے تے میرے لجپال نبی بھی یہ او نبی ہے جن دے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی جنہوں سمجھ آئی ہو آکے سبحان اللہ کوئی رشتہ داری دے معاملے چاہیا ہوئے گا کوئی لنگر خان دے معاملے چاہیا ہوئے گا جڑا محفل سنن دے انتظام چاہیا نا کہ یار اس مائیاں دی قبر تے ٹھنڈ پہ جائے اوہ چاہ کے سبحان اللہ ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا کہ بندہ جدو مر کے قبر دے اندر جائے گا میں سب تو پہلا گل کراں کہ ماں کڈی نصیبہ والی کہ جن دا رب نے قرآن دے اندر بھی ذکر کیتا والدین دا قرآن مجید دے اندر بھی یارو ماں دا مقام اور شان دیکھو کہ جیڑی نو ماں اپنے پیٹ دے اندر رکھ کے تکلیفاں چلدی کنے مہینے نو ماں رکھ کے تے بعد جدوں ولادت بچے دی پیدائش ہو جاندی ہے تے ماں اجی وی سخی ہوندی اجے بھی سخی نہیں ہوندی اللہ اکبر اوہی پتر جدو جوان ہو جاندہ ہے تو ماں نو ماں سمجھ دا ماں نو ماں سمجھ دا اللہ اکبر اللہ فرماندہ ہے اگر جنت لینی ہے تو اپنے ماں پہ انہر پیار کر اگر جنت لینی ہے تو پھر اپنے ماں پہ آنا لیا پیار کر اللہ اکبر میں حضرت ویسے کر نہیں دا کلان تے کر رہا سا بیان کہ حضرت عمر پاک تے حضرت علی پاک تے بلال حضرت ویسے کر دی تو کیا لگے کہ یار سارے ہاں دیا ماما ہے گیا نے تیری ایک ماں کوئی وکری سارے ہاں دی ماما ہے گیا نے تینوں ماں نال کوئی پیار بکھ رہا ہے تو نبی نال دیکھیا نہیں نبی دی زیارت نہیں کی تھی حضرت ویسے کر دی کیا لگے اے عمر پاک کہ سرکار دے جڑے پروٹے نے
सरकार दे जिहड़े प्रवक्ते ने इह नाल जुड़े होए नहीं आ जुदा इह जुड़े होए नहीं आ जुदा ने उह सोची पै गए उहनां कहा वेखी दा ते रोज़ाना पर कदी तवज्जो नहीं कीती वेखी दा ते रोज़ाना पर तवज्जो उन्हें आखे इश्क नहीं डरदा सदा मौत कोलो इश्क नहीं डरदा सदा मौत कोलो बरसूली चढ़ना पै जावे ओ सर सजदों नहीं चुकदा मालूम होया जी उवैस ने वेख्या ते फिर दीदार भी नबी दा कीता वे ना हां जी फिर नाले फरमांदे ने हुसीना जमीला बने मो और अपने अपने नबी ने बड़ी शान बनाई बड़ा मकाम बनाया कौन अगे आप सभी कह रहा सी कि माई हलीमा जब आई किसी ने तकिया नहीं किसी ने देखिया नहीं मैं क्या मैंने देखा नहीं बड़ी दूर की गल अल्लाह पर मेरे रब ने पसंद ही नहीं फरमाई मेरे रब ने पसंद जदो प्या माई हलीमा मेरे तो तेरे लजपाल नबी दी बारगाह दे अंदर गई है नबी ने अपनी अखा खोलिया ने माई हलीमा दे चेहरे ते पईया ने मेरे नबी ने फरमाया मेरे ओई कबूल मैनू ए महबूब ने पसंद की थी ते पसंद हुई है हुसीना जमीला बहु मो या अल्लाह जिंदा हर सलामत है आज रात नबी की ज़ियारत हो जाए हुसीना जमीला दमो मो जड़ा चांदा है कि कब्र के अंदर नबी आ जाए ओ बड़े हुसीना जमीला दमो मो इत्ता रब मुहम्मद बनाया कलम 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 हजरत भाई अजीज बस्तामी मकाम अल्लाह अकबर कह लगे अम्मा या अपनी खिदमत करवा ला ते या अल्लाह दी इबादत करवा ला या अपनी खिदमत करवा ला ते या अल्लाह दी इबादत करवा ला फरमाया पुत्र जा फिर रब नु राजी कर जा पुत्र फिर आज जिन्ना दी मावा जिंदा ने उन्होंने पूछो के मां दा की हाल अल्लाह अकबर फरमाया जा 12 साल जदो इबादत कीती ना ते अल्लाह राजी ना होया अल्लाह राजी मालूम होया जिंदे ते मां प्यो नाराज हो जावे ते रब भी उंदे ते खुश हुंदा हा अल्लाह अकबर 12 साल तो बाद दिल कीता कि अज मां नु मिलके आवां अज मां नु मिलके आवां ते असी भी भरा जड़े हुंदे आ ना असी आंदे यार भरा जड़ा प्यो वे ना वड्डे भरा नु दे दियो प्यो कबर दे अंदर सवालों का जवाब होना के नहीं होना बोलो भाई जिंदा ईमान है यकीन है मैं हर तकरीर से गल करके जाना किसी ने शक हो फकीर बाद भी आवर ना हो फकीर फड़ लेते अल्लाह अकबर बंदा मैं तगड़ा दे रहा अल्लाह अकबर हर बंदे ने कबर के अंदर जाना जाना के नहीं जाना भाई अच्छा इतने तेरे फेरी कर लांगे ते जेड़े किरामन कातिबीन तेरे ते मेरे मोढ़ियां ते बैठे ये एरा फेरी कर सकते एरा फेरी कर सकते इन्हां ने गुनाह भी लिखना ते तेरा सवाब भी इतने तो किसी पुलिस वाले नु एमएनए नु फोन करवा के पर्ची दे के बच जाएगा फरिश्तिया ने पर्ची नहीं फरिश्तिया ने कहना भी दस अपने माँ प्यो की खिदमत करके मेरे नबी नाल प्यार लोग अजकल सना खान भी उन्हें सिर्फ माँ का मकाम चकिया है ना ना अगर रब ने माँ के कदमा थले जन्नत बनाई तो रब ने बाप का पेशानी दरवाजा भी बनाया पेशानी दरवाजा भी जो तो बाप नंगन देगा तो बंदा जन्नत दाखिल होगा।
अल्लाह अकबर 12 साल इबादत की थी, दिल कीता कि आज मैं मां नु मिल के आवा। इधर सुबह जदों आए ना शहर च, इधर मां भी सजदे च पई, मां भी सजदे च पई, अर्ज करती या अल्लाह जी मेरे पुत्र नु मिला दे। ये मां जदों हाथ चुक के दिलो दुआ कर दे तो रब अर्श अजीम भी काम जा। मूसा ने फरमाया सी ना कि मूसा ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत के अंदर साथी केड़ा होएगा, ये साथी केड़ा होएगा। फरमाया देखना चाहता है, अर्ज की या अल्लाह देखना चाहता है। फरमाया फलानी जगह पे चला जा, जब गया तो कसाई गोश्त बना रहा है, गोश्त बना रहा है। या अल्लाह कौन है? फरमाया तेरे जन्नत का साथी है। या अल्लाह मैं नबी, मैं तेरा रसूल, एक कसाई कैसे हो सकता है? फरमाया देखी जा। शाम हुई, उन्हें छोटिया छोटिया बोटियां बनाईया, थैले च पाईया, घरे ले गया, अल्लाह का नबी भी नाल है, ते जाके पकाया ते नाल अम्मा दे मुंह च बुरकियां पांदा, अम्मा दे मुंह च उन्हें कहा मां वर्गी दुनिया ते ठंड ठंडी छा नहीं, मां वर्गी दुनिया जिनी मां चली गई पर मां वर्गी दुनिया ते ठंड ठंडी छा नहीं, मां वर्गी दुनिया। मेरे ख्याल तुम समझ नहीं आई अजे, जिनी मां कही है ना उन्होंने पता कि दिल में ठुकरा कि मैं पेंदा है। अल्लाह अकबर, मां मरी भी होवे ना ते पुत्र नु तकलीफ होवे ते मां नु फिर भी पता चलदा कि मेरे पुत्र नु तकलीफ होई है। मां वर्गी दुनिया ते ठंड ठंडी छा नहीं, मां वर्गी। या अल्लाह जिन्हां दी मां सलामत ने तेरे मां दा नाम लैन, उन्हां दी जिंदगी लंबी हो जाए। मां वर्गी ठंडी छानी पुछो छोने से महान दिल की तक मां मिल के आ। अल्लाह अकबर, मूसा का वाक्य लेके चलांगा कि जो आए ना सवेरे तो दिल किया कि अम्मा सुती पई होनी, बुआ ना खड़का, अम्मा सुती पई होनी तो बुआ ना खड़कावा। ये सारिया अदाब अदब किन्ने दसे ने मुस्तफा ने दसे, किन्ने दसे ने? फिर बोलो भाई, ये तेरे ते मेरे लजपाल नबी ने दसे ने। पहलिया कौमां दे अंदर लोग अपने वाले पैन नूं मंडी दे अंदर वेच देंदे सन, मंडी दे अंदर वेच देंदे सन, फरोख्त कर देंदे सन, बल्कि दरिया दे अंदर धक्का दे देंदे सन। अल्लाह अकबर, कोई पीर भी होवे ना वह भी चंगा होंदा है। मैं कल बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का वाकया पढ़ रहा, आपने ना भाई रमजान एक बंदे ने मुरीद किया, इस तरह हाथ दिता ना, फरमाया कि हाथ मेरे हाथ के अंदर दिता ही तो हूँ हाथ बदली हाथ होना समझ आई। वह बोले भी आतों किसे दे हाथ विच दही ना, मैं कहा बाबा जी गल पक्की हो गई। एक बारी दरिया तो नंगे लगे ना ते पैर फिसलिया ते दरिया च जा पिया, पैर फिसलिया ते दरिया च जा पिया। ते हजरत खिजर अली सलात व सलाम आए, फरमाया भी अपना हाथ दे मैं तेनू बाहर, अपना हाथ दे मैं तेनू बाहर कढ़ा। उन्हें कहा मैं इको दे हाथ विच हाथ दिता, मैं होर बंदे दे हाथ विच हाथ नहीं दिता है, मैं इको बंदे दे हाथ दे विच हाथ दिता है, मैं हर बंदे दे हाथ दे विच हाथ नहीं देना। मैं कहा तेनू पता नहीं मर जाएगा, अल्लाह हू अकबर, मैं कहा मैनू पता मर जावांगा पानी दे अंदर, पर जिंदे नाल लाई वह आपे बचा ले। क्या पानी, अल्लाह अकबर। सवाल भी आ गए, इंशाल्लाह भी जवाब देंगे कि कह लगे कि मैं तेरे हाथ में हाथ देना नहीं, उन्हें कहते तुम पता खुद कशी करेगा तो मर जाएगा हराम मौत है। उन्हें कहते जिन भी हाथ में मैं हाथ दिता मैंने जरूर बचाएगा। अल्लाह भी ढूंढता है बहाना फरीद का, फरीद बुवत गया है जरा फरीद जन्नत चु पार हो है, अल्लाह भी ढूंढता है। लोरी लोग आने जन्नत कितने,
मैं क्या रब ने काबा फरीद दूबे ने जन्नत बनाई मौलविया ने लोगों ने शुरू किया जन्नत कि मैं क्या ना ना रब ने हर घर के अंदर जन्नत बना दी अल्लाह भी ढूंढता है बहाना फरमाया भी तेन डिगया भी आप ही असि डिगया भी आप ही क्यों कि अजमाइए तो सही भी किसी होर दे हाथ विच हाथ देंदा है कि नहीं देंदा अल्लाह हू अकबर ते रब सानू भी तकलीफा दे के अजमांदा वे अजमांदा है कि नहीं अजमांदा कदी दुख देंदा कदी परेशानी देंदा कदी माल देंदा दौलत देंदा अजमांदा है कि दौलत दित्ती मैनू भुलिया ते नहीं मैनू भुलिया ते तकलीफ दित्ती कि हूं नहीं बस याद करदा नहीं वो अव्वल भी हो वे आखर भी हो वे जाहर भी हो वे बातन भी हो वह हुआ बिकुल शैन अलीम रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम बगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मेरो ते कम बन जा अगर वो बख्शन ते आवे तो रेवी अल्लाह हू अकबर मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइया मैं नहीं वहां मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा नाल संग मिलाई ओना उच्चा तो सदके जावा ओ जिन्ना साडे वर्गिया दीवी ना दे अल्लाह हू अकबर जेन दे अंदर ख्याल आया कि मां सुती पई होनी जदों सहरी दा टाइम होएगा ना ते फिर बुआ खटका फिर बुआ खटकावांगा तो सोचिया कि पता नहीं मां सुती है जागदी इधरों जो शहरी का टाइम होया ना तो जड़ी नाली बाहर आती थी ना उस पानी आया की आया पानी आया ना तो कह लगी लगता मेरी अम्मा उठ पई है तहज्जुद वास्ते इवें दी मावां नेक होवन ना तो फिर बाबा खादम रिज़वी वर्गे पैदा होते हैं ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾਵਾਂ ਚ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਮੂਦਉਦੀਨ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਯਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਯਾਰ ਮਾਂ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੁਬਾਹ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਬਸ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਸਤਾਮੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਟਾਲਦਾ ਰੱਬ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਖਵਾਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੋ ਆਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ
इन्हें लिखे जी सवाल कि सवाल सवाब पहुंचता है कि नहीं। अल्लाह फरमाना 28 पारे के अंदर सूरत हशर के अंदर या युहल्लजीन आमनु ये कुरान है सूरत हशर अल्लाहु अकबर। देखो अल्लाह फरमाना है कि तुसी दुआ करो मैं दुआ सुनना भी हां बल्कि ये तो दूर की गल है एक जानवर कब्र ते जाके बैठ जावे वो दस सकदा चिड़ी के चिड़ावे क्यों जी वो दस सकदा चिड़ी भी कि या चिड़ावे बल्कि कब्र वाला ते तेरी आवाज़ां दी पैरां दी आवाज़ भी सुनदा वे तेरे चलन दी आवाज़ां भी सुनदा वे बल्कि शबरात वाली रात ना पढ़े हदीस पाक दे अंदर मिश्कात शरीफ दी हदीस पाक है कि हर मुर्दा अपने घरे रूह तशरीफ लेके आउंदी हर रूह और जिन्हें करो सवाल सवाब मिले खुश होके जाते ने हैं तो जिन्हों ना मिले और दिल के अंदर हसरत लेके जाते ने दिल के अंदर हसरत होती है ना कि यार मैं साउंड खरीद लवा मैं साउंड पर मेरे को हिम्मत तेरे दिल चो हसरत एवं ही जड़ी रूह आंदियां ना अगर सवाल सवाब ना होवे तो एवं ही वापसी चलिया जांदियां ने। दूजा सवाल हाँ जनाजा जिंदा का होता है या मरने के बाद अल्लाहु अकबर। देखो कि इमाम दे पीछे असी सारियां नमाज़ा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो जो बंदा मर जाता फिर अगे आया पे अल्लाहु अकबर। अगर वो मर ही गया है तो फिर वो जिन्हें हिंदू ईसाई उन्हें जला देंगे अच्छा जलान ना हिसाब नहीं हो बोलो भाई उसी जला के सवा बना के उन्हें सट दियो उनका हिसाब नहीं होना बोलो भाई या जड़े जानवर खा गए ने उन्हें हिसाब नहीं होना। अल्लाह फरमांदा फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमांदा अगर मैं हिसाब लेन आया तो रेत के ज़र्रे ज़र्रे को भी हिसाब इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमांदा मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। इबलीस क्यों रद्द किया गया ये बातें कीतियां सी कि नहीं कीतियां सी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे नु मेरे नबी नु सजदा कर उन्हें क्या मैं नु सजदा करना हाँ बोलो भाई एक सजदा नहीं कीता थे अल्लाह ने अपने दरबार जो कट दिता तवज्जो नाल बैठे जे मैं माजरत नाल गल करांगा मेरे बुजुर्ग बैठे ने नौजवान बैठे ने उन्हें एक सजदा नहीं कीता रब ने अपनी बारगाह जो कट दिता तो यार असी किनिया नमाजा कदा की खड़े हूँ गल डी है एक सजदा इबलीस ने नहीं किया अल्लाह ने अपने दरबार चो ऐसी नमाज दे नेड़े नहीं जाते पहलिया कौम जेड़ा गुनाह करते सन उन्होंने शक्ल बदल जा शक्ल बदल जा बल्कि उन्होंने मत्थे ते लिखा जाता से पर ये जेड़ा तेरा ते मेरा मकाम है ना तेरी ते मेरी शक्ल नहीं बदली ते मदीने वाले का कमाल सरकार बिना लुत्फ़ाता कौन करेगा सरकार बिना लुत्फ़ाता कौन करेगा उम्मत ले लो रो दुआ या ला जरा पड़े कब दे अंदर भी सिफारिश हो जाए सरकार बिना लुत्फ़ाता कौन करेगा उम्मत ले रो के दुआ कल्ला तेनों में ना दुख नहीं होया नबी दा अल्लाह अकबर मां दा जदों तेरे ते मेरे लजपाल दी नबी दी वालदा भी गई थी उदों सरकार भी बड़े रोए सी हैं उदों सरकार भी बड़े रोए सन। अल्लाह अकबर बाप दा 6 साल तो पहला ही विलादत भी नहीं हुई ते वफात पा गए और मां सरकार दी 6 साल आप दी वालदा माजदा दा इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर उहनां ने ते देखे ने ना ते चाचे सारे दुश्मन सी पहला हैं अबू जहल वर्गे सारे दुश्मन सन्ना पर कमली वाले तो सदके जाइए अल्लाह अकबर रब ने एडा सोना बनाया एडा सोना बनाया ते आप ही कह रहे इस सूरत नो मैं जाना खा पीर मेरे रिश्ता सर फरमाते ने इस सूरत नो
मैं जाना सचिया खत रब दी मैं शाना इस शान तो सब शाना बनिया सो बहा ला सो बहा किसी चौधरी का नाम नहीं किसी बरान खान का नाम नहीं वो खुदा का नाम है जिन्ने कायनात बनाई है जिन्ने कायनात सजाई है जिन्ने कमले वाले का सदका मैंने तेन बनाया है जिन्हें मैनू तेने रब ने शाना दिशा है तेरे मेरे मां बाप ने मकामा ता किया है तेन मैनू शाना शाह किसिया ने अल्लाह उपर कमले वाले का सदका मिलिया ने सुभान अल्लाह सुभान उन्हें लंगर का भी इंतजाम किया है भुख बाबा लगेगी उच्चे पड़ो सुभान ला सुभान ला सुभान ला सुभान ला किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुस्ता की अखिया किथे जाए लरिया सुभान ला सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर बंदा कब्र दे अंदर जाएगा ना सवालों का जवाब कि जब बंदा मर के कब्र दे अंदर जाएगा दसो फरिश्ते सवाल करेंगे मर रब्बू का की सवाल करेंगे भाई सारे बोलो भाई भी तेरा तेरा अच्छा अगर बंदा मरिया पे है तो फिर उस सवाल का जवाब देगा बोलो भाई नहीं किवे दे जदो मारी गया मेरी गल समझ रखिया कि सालन असी खांदे नहीं उंदा जायका चखदे हां सालन असी खांदे हां खांदे नहीं जदो असी नमक या मिर्च चेक करनी होवे तो उंदा असी किसी दे बंदे सख्त होंदे ने माइयां नूं डर होंदा कि उंदे नूं डांग ना चक लवे ते कईआं दी माइयां सख्त होंदियां ने अल्लाहु अकबर ओ जायका चखदियां ने कि नमक तेज या कम है इसे तरह बंदा मौत दा जायका चखदा मरदा बंदा मौत दा जायका चखदा पर मरदा अच्छा यार मारी गया तो फिर फरिश्ते सवाल किन्दे नाल करनगे हाँ जी फिर फरिश्ते सवाल किन्दे नाल करनगे फिर जवाब कौन देगा सवाल करेंगे मेरे अब्बू के दस तेरे रब कौन है अब्बू बंदा जागदा होगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह के मेरा रब बोलो भाई जिंदा रब अल्लाह ही आखे आचो के आखे जेड़ा खुदा नु मंदा है पहला सवाल मां रब्बू का तेरा रब कौन है बंदा की जवाब देगा रब्बी अल्लाह के मेरा रब जिन्हें पता कि मैं इस दुनिया तो जाना है पता कोई नहीं क्या शबरात की रात गुजरी है साहब किताब लिखे कि जिन्हें मरना होंगे उन्हें रजिस्टर तो नाम उतार दिता जाता है क्यों भाई उन्हें रजिस्टर तो नाम उतार दिता जाता है बंदा जिमीदारा भी करता है शादी भी करता है कारोबार भी करता है पर उन्हें पता नहीं होंगे कि मेरा नाम मुर्दिया के अंदर शुमार हो ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਲ ਨਾਮ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰੱਬੂ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ मुसलमान है उन्हें कहा रब्बी अल्लाह के मेरा रब मेरा रब दीन यानी सलाम कि तेरा दीन इस्लाम की तेरा दीन इस्लाम की है और जिन्हें बाप ने रात नु 12 बजे देकर बाप ने मां ने खुद बच्चों नु बा के फिल्मा दिखाईया तो उन्हें की पता कि सरकार दा रब ने चेहरा किड्डा सोना बनता है हैं मैं गल होर पासे कर रहा सा अल्लाह अकबर मैं उस तरफ आना है कि जो तू बाप मां खुद इस पासे नहीं आनगे ना औलाद कभी भी चंगी नहीं होगी औलाद कभी भी चंगी अगर वालिदैन नेक होएगा तो औलाद भी दीन अली सलाम कि तेरा दीन इस्लाम की
अगर दीन ते चलिया होया ते दसेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है, ते छुटकारा होया, छुटकारा अपना भी रब ने पूछ लिया, दीन दे बारे भी पूछ लिया, छड़ देवे यार, फरमाया नहीं इत्थे ते छुटकारा होना है, आज तक गल इत्थे ते फर्क लगना। बाबा खादम रिजविया ना कोई हजार साल तो बाद भी कोई मेरी कबर ते आके लबैक दा नारा लावे ते मैं जवाब देंगा कबर चो लबैकदारे खत्म ताजदारे खत्म जिंदा ईमान है कि इस नबी तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो नारा लावे ताजदारे खत्म नबुव्वत। मौलवी जी दलील में क्या हो, मा काना मुहम्मदुन अबा हद मिन रिजालिकुम बलाके रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह फरमांदा मैं नबुव्वत का दरवाजा बंद कर देता है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फरिश्ते सवाल मा कुंत तकुलु फी हाजर रजुल, दस सरकार के बारे दुनिया ते की कहते ना वखावा जो चोर की सजा और कादरी की सजा होगी। हाँ जी जिम्मेदारी नाल साइया ने यह नहीं कि भी कच्चियां गोलियां नहीं खेडनियां कि मच्छियां का डब्बा लिया बस से बेचा तो अगले स्टाप से उतर गया फिर लिया अगले स्टाप से ना ना जरा सौदा बेचेंगे सुथरा बेचा। मां कुंता तकूल रजुल के दस सरकार के बारे की कहना, सरकार भी सामने खड़े हो गए, सरकार भी सामने ते जेड़ा गुलाम होया मनन वाला वो कहेंगे फरिश्ते सैर ते अड़ जाओ इस दिल रुबाब वास्ते तो मर के आना जावा गरीबाबे मुहल्ले या रसूल अल्लाह जबान सलामत जावे गरीब मुहल्ले मैनू इशारा ना करो खत्म आने को पुछो समान लो मैं इना तू कल आवा तुम मेरे तू कर खत्म का समान लैन दली मोबाइल बखा रहे ने पता नहीं मोबाइल क्यों बखा रहे मेरे पता है खत्म का समान लियाओ जावा गरीब मोहल्ले सौन कि चलाई दे कारी साहब को भी पता चले जोर कि लाई दे गरीब मोहल्ले जी अल्लाह अकबर कि सरकार नु रब ने एडा सोहना बनाया। मैं गल कर रहा कि मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल अगर मदनी वाले नाल प्यार होया ना तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हो सैर ते हट जाओ जन्नत चो बारी खोल दे ठंडी हवा आ जा जन्नत चो बारी खोल दे यारो बारी भी किड्डी कोई अल्लाह अकबर फरमाने के जदों कियामत का दिन होएगा ना तो लोग सरकार का नाम भुल जाएंगे सरकार का नाम ते जिबरील उन्होंने कान के अंदर जाके कहेगा मदीने वाले का नाम लवो रब जन्नत अता कर देगा जिन्हों समझ आई वह आके ना सुभान अल्लाह पिछू भी आखो ना सुभान अल्लाह आवाज नहीं आ रही उच्चा आखो सुभान अल्लाह अल्लाह इसे रमजान च सारे मदीने लै जाए हूं तो सारे आखो ने यार मदीने सारे जाने चाहते हैं ना फिर उच्चा आखो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर के मां कोई नहीं तो जो मां माई हलीमा ने पंगोड़े के अंदर पाया ना ये नबी की शान ये नबी का मकाम है कि पकौड़े के अंदर पाया ना तो माई हलीमा फरमाने कि मैं इस तरह ना चंद नाल वेख्या तो चंद कभी उधर पै जाता तो कभी उधर पै जाता आखो तो सही है जिन्हें दिल से ठंड पी हो आगे सुभान अल्लाह
अल्लाह अकबर फरमाने कि मैं वेखती पई हां कि चंद कदी उधर पिया जा रहा है ये लस्सी कढ़न गए जी मैं कदी उधर पिया जा रहा है कदी उधर पिया जा रहा है ते मेनू समझ नहीं आई ये वजह की है। अल्लाह अकबर फरमान लगे कि मैं जब सरकार दे पंगोड़े भोड़ी वाल वेख्या ना ते सरकार जिस तरह उंगली पे हिलदी की हिलदी पई बोलो भाई फिर बोलो उंगली हिलदी पई है। अल्लाह अकबर फरमांदे कि मैं सरकार दी जब उंगली हिलदी वेखी ना जिधर जिधर उंगली जा रही है उधर उधर चंद पिया जा रहा है। जी 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 नवा सवाल उन्हें जी गैर मारो।